मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है जहाँ सुबह स्कूल जाने से पहले पॉपी द सेलर मैन और पिंक पेंथर देखा जाता था जहाँ शाम को चार बजे पी टी वी पर खुलजा सिमसिम और एनक वाला जिन के लिए सब गली के बच्चे एक ही घर में जमा हो जाते थे जहाँ घर का सबसे बड़ा बच्चा टीवी के पास लेट कर पाँव के अंगूठे से चैनल चेंज करता था जब दो या तीन चैनल की बजाय एक या दो ही चैनल आते थे जहाँ सोफे के घर बनाकर घर घर खेला करते थे मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है जब सारे गली के बच्चे जमा होकर क्रिकेट खेला करते थे जहाँ घर में जाने का आउट और जो फेंकेगा वही लेकर आएगा वाला रोल होता था जहाँ छोटे बच्चों के काफ से कच्ची हुआ करती थी जहाँ खोपा को -खो, कोरा जमाल शाही छुपन छुपाई पकड़न पकड़ाई और बर्फ़ पानी खेलने के लिए पगम की जाती थी जहाँ मिट्टी के खिलौने मिलकर बनाया करते थे मेरा ताल्लुक उस नस्ल से है जहाँ टोमेंट जेरी हर उम्र के लोग बहुत शौक से देखा करते थे और सूरज ढलते ही सब एक दूसरे की कमीज़ पकड़ के ट्रेन बनाकर सबको घर छोड़ाया करते थे जहाँ डाइजेस्ट मंगवाने के लिए एक रुपये की रिश्वत बहुत ज़्यादा हुआ करती थी जहाँ किसी बच्चे को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि हमारे साथ खेलने वाला लड़का है या लड़की जहाँ मोबाइल का कोई वजूद नहीं था हर फिक्र से आज़ाद थे मेरा तल्लक़ उस सुनहरे दौर से है जिससे आज की नसल महरूम है अगर आप भी उस नसल के हैं और आपको वो गुजरा हुआ ज़माना याद आता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा वो ज़माना अच्छा था या ये ज़माना अच्छा है पे फिंगर रखे कहा ये है फाइव ये फाइव है? ये फाइव है ये फाइव है ये थ्री है ये कहा है ये फाइव और टू कहा है टू ये है वेरी गुड और फोर फाइव